शरद पवार जी और अजीत दादा पवार जी, ये दोनों कई दिनों से मिल रहे हैं और आज पवार साहब का जो स्टेटमेंट आया, सुप्रिया सुले जी का कल जो स्टेटमेंट आया, ऐसा लगता है उनके वक्तव्य से कि अजीत दादा वापस पुनः राष्ट्रवादी में वो शरद पवार जी के नेतृत्व में आ रहे हैं, इस तरह अर्थ लगाया जा सकता है और इसलिए पवार साहब ने जो स्टेटमेंट किया है। लेकिन ये सब विषय जो है उस पर जनता में संभ्रम होते जा रहा है। तो पवार साहब एक ज्येष्ठ नेता है, आज वो कोल्हापुर में है, आज कोल्हापुर में भी वो उस बात के बारे में स्पष्टीकरण करेंगे मीडिया के सामने और लोगों के सामने। तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ वापसी का काम शुरू हो चुका है और इसलिए पवार साहब ने इस तरह का स्टेटमेंट। हमारे उद्धव ठाकरे साहब के ग्रुप में और हमारे में कोई संभ्रम नहीं है, पवार साहब के ऊपर हमारा आज भी विश्वास है। लेकिन जो जनता में संभ्रम पैदा हो रहा है वो पवार साहब बिल्कुल दूर करेंगे, क्योंकि वो एक खूब बड़े नेता है, तो बड़ा अनुभव उनका रहा है और इसलिए हमारे महाविकास अघाड़ी पे उसका कोई परिणाम नहीं होगा। और रहा जो सर्वे की बात कर रहे हो, तो उसमें लोगों का जो पसंद है वो कांग्रेस पार्टी है, उद्धव ठाकरे साहब का ही पार्टी है, शरद पवार जी की भी पार्टी है, लेकिन मेरिट जो है वो कांग्रेस के साथ है और इसका कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा। और कांग्रेस की भूमिका एक बार स्पष्ट कर चुकी है कांग्रेस की, बीजेपी के विरोध में जो भी कोई लड़ने के लिए हमारे साथ आना चाहते हैं उनको साथ लेके चलने की भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। और मुझे लगता है कि एक अच्छा वातावरण चुनाव आते तक और महाराष्ट्र में बनेगा और सबसे बड़ा दल करके हमारे जो अलायंस रहेगा वो सबसे बड़ा दल करके महाराष्ट्र में लोगों के आशीर्वाद से आगे। आप कह रहे हैं कि हमारे साथ आ सकते हैं, ऐसी स्थिति उनके बयान का मतलब, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया है वो कह रहे हैं कि शरद पवार भी आ सकते हैं साथ में आने वाले। देखो महाराष्ट्र में आज जो स्थिति है, मैं आज कल ही दौरे से आया, मैं परसों पुनः ग्रामीण में था, प्याज किसानों का बड़े आंदोलन में मैं उसमें खुद उसको मेरे नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन हुआ और मैंने देखा कि किसानों में अब गुस्सा बड़े पैमाने में बढ़ चुका है, युवाओं में बड़े पैमाने में गुस्सा बढ़ चुका है, गरीबों में महंगाई की वजह से गुस्सा बढ़ा हुआ है।